Very good morning to all of you. This is Nikita here from LearnX Nursing. I'm welcoming to all of you on the LearnX Nursing platform. Today we will discuss about Norset PYQ series number 28. Okay? Question number 1. A client with a long history of asthma is scheduled for the surgery. ठीक है, एक patient है जिसे long history है asthma की. ठीक है, from long years he is having asthma and now that patient is scheduled for the surgery. ठीक है, so what information should be included in the pre-operative teaching? तो हमें उन्हें pre-operatively educate करना है, teaching देना है, तो हम क्या देंगे? There is a increased risk of respiratory tract infection. हम उन्हें कहेंगे कि आपको क्योंकि अस्थमा की हिस्ट्री है फ्रॉम लॉन्ग इयर्स बैक, ठीक है, तो आपको पोस्ट ऑपरेटिवली या फिर सर्जरी के टाइम पे, सर्जरी के बाद में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शन है वो हो सकते हैं, ठीक है, उसके रिस्क ज्यादा रहेंगे. रिलैक्सेशन टेक्निक्स लिमिट द सिवियरिटी ऑफ अस्थमैटिक अटैक्स. ठीक है, जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स है अगर आप वो करोगे तो जो आपके अस्थमैटिक अटैक्स है वो कम हो जाएंगे. ठीक है, कफिंग फोर्सिबली मस्ट बी अवॉइडेड बिकॉज इट इंक्रीजेज द इंट्राथोरेसिक प्रेशर. ठीक है, जो हम फोर्सफुली कफ करते हैं, ठीक है, उसको आपको अवॉइड करना है बिकॉज वो आपका इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ा सकता है. ठीक है, एंड द लास्टली लोकल एनेस्थेसिया इज प्रिफर्ड बिकॉज इट हैज फ्यूअर साइड इफेक्ट्स देन द जनरल एनेस्थेसिया. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कभी भी एज अ नर्सिंग ऑफिसर हम कभी भी एनेस्थेसिया के रिलेटेड उन्हें एजुकेट नहीं करते हैं. It's not our part. It is anesthetics part. ठीक है? Then, coughing forcibly must be avoided because it increases the intrathoracic pressure. See, कभी भी हमें जिनको भी अस्थमा होता है या फिर जितने भी हमारे सीओपीडी वाले पेशेंट्स होते हैं या रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें इंक्लूड हो जाता है रेस्पिरेटरी डिजीज कंडीशंस वालों को, ये कहना है कि कफ फोर्सिबली करना है, उसे कभी अवॉइड नहीं करना है. ठीक है, क्योंकि उनका जो कफ रिफ्लेक्स है वो भी स्टिमुलेट होता है एंड जो कंसोलिडेट वाला कफ है, स्पूटम है, उस मींस जो एक्सपेक्टोरेंट है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फोर्सिबली कफ. ठीक है, सो अवॉइड नहीं करना है, इनफैक्ट उन्हें हमें कफ फोर्सिबली करने के लिए बताना है, तो ये भी नहीं होता. ठीक है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स लिमिट द सिवियरिटी ऑफ अस्थमैटिक अटैक्स. सी, हम पेशेंट की सर्जरी प्लान कर रहे हैं. ठीक है, एंड सर्जरी प्लान करने के टाइम पे अगर हम उन्हें प्री ऑपरेटिवली कहेंगे कि आप पोस्ट ऑपरेटिव रिलैक्सेशन टेक्निक्स करोगे तो वो आपके अस्थमेटिक अटैक्स को लिमिट में रखेंगे, नो, इसका कोई सेंस नहीं बनता. ठीक है, देन देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. यस, एक पेशेंट का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, लंग्स जो है, वो ऑलरेडी अफेक्टेड है एक डिजीज कंडीशन से. अब वो पेशेंट की एक सर्जरी हो रही है. ठीक है, सर्जरी होती है तो उन्हें एनेस्थेसिया जाता है जिसमें कि हमारा जो रेस्पिरेटरी मसल्स है उनके ऊपर एनेस्थेसिया का इफेक्ट आता है. ठीक है, सो स्पेशली क्या होता है कि जो प्री ऑपरेटिव टीचिंग में क्यों वहां पे रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है, बिकॉज देखो अस्थमा में ना ग्लैंड सिक्रीशंस होता है एंड ये जो ग्लैंड सिक्रीशंस होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक वार्म एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, मींस ग्लैंड से सिक्रीशन हो रहा है, अब वो जो सिक्रीशन हुआ है वो लिक्विड फॉर्म में है. ठीक है, एंड वो वार्म होता है जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, जिसके वजह से पेशेंट विल हैव इंक्रीज रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा करेक्ट प्री ऑपरेटिव टीचिंग रहेगा फॉर द पेशेंट हु इज प्लान फॉर द सर्जरी एंड हु इज हैविंग अ लॉन्ग हिस्ट्री फॉर द अस्थमा. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ क्लाइंट विद मायस्थेनिया ग्रेविस इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल एंड द नर्सिंग हिस्ट्री रिवील्स दैट द क्लाइंट इज टेकिंग pyridostigmine यानी कि मेस्टिनोन. ठीक है, द नर्स असेसेस द क्लाइंट फॉर साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन एंड आस्क द क्लाइंट अबाउट प्रेजेंस ऑफ. ओके, एक पेशेंट है जो कि हॉस्पिटल में एडमिटेड है विद द कंप्लेन ऑफ मायस्थेनिया ग्रेविस. ठीक है, मायस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है? एक ऑटो इम्यून डिजीज है.
इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। ओके, इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। हमारे ही एंटीबॉडीज को जो है उनके अगेंस्ट में फाइट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन नहीं होता, एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। हमारे एंटीबॉडीज फेल हो जाते हैं ये पता लगाने में कि ये जो एंटीबॉडीज है ये कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं है, ये हमारे खुद के बॉडी के एंटीबॉडीज है, ठीक है। सो ओके, बैक टू द क्वेश्चन। अ क्लाइंट विद द माइसेनिया ग्रेविस इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। माइसेनिया ग्रेविस का पेशेंट है। नर्सिंग ने जो जो नर्सिंग स्टाफ है उसने जो हिस्ट्री ली है वो ये रिवील करता है कि पेशेंट जो है वो पाइरिडोक्सिस्टामिन जो है मेस्टिनोन के मेडिकेशन पे है, ठीक है। अब नर्स क्या कर रही है, पाइरिडोक्सिस्टामिन के जो साइड इफेक्ट्स है उसको असेस कर रही है उस क्लाइंट में, ठीक है, कि इस मेडिकेशन के कौन कौन से साइड इफेक्ट्स है जो उस पेशेंट में प्रेजेंट है। सो वो नर्स को किस पर्टिकुलर सिम्टम के बारे में पूछेगी, ठीक है, दैट इज माउथ अल्सर्स, मसल क्रैम्प्स, फीलिंग ऑफ डिप्रेशन और अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, पाइरिडोक्सिस्टामिन के बारे में। अब ये जो पाइरिडोक्सिस्टामिन होता है इसका कैसा इफेक्ट आता है, इट ऑलवेज एंटी कॉलिनर्जिक। ठीक है, अब एंटी कॉलिनर्जिक इफेक्ट में क्या होता है ना, जो हमारे मसल्स है उसके कॉन्ट्रैक्शन को वो हमेशा इंक्रीज कर देता है, ठीक है। मैस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेस, और जब मसल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होता है तो क्या होगा, मसल क्रैम्प्स आएंगे, ठीक है। ब्रोंकोस्पाज्म होगा, लैरिंगोस्पाज्म होगा। ओके, सो अगर अभी हम देखते हैं क्या माउथ अल्सर्स रहेंगे, नो। फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, नो। अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, नो। ठीक है, वहां पे हमको दिखेगा मसल क्रैम्प्स, ये साइड इफेक्ट होता है पाइरिडोक्सिस्टामिन का, ठीक है, बिकॉज वहां पे वो एंटी कॉलिनर्जिक इफेक्ट दिखाता है, वो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको इंक्रीज कर देता है जिसके वजह से वहां पे स्पाजम होता है। फीलिंग ऑफ डिप्रेशन नहीं होगा, यहाँ पे हमको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन मिलेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विथ सेवरल ब्रोकन रिब्स, ठीक है, रिब फ्रैक्चर हुआ है एंड ऐसे पेशेंट का नर्स केयर कर रही है। द क्लाइंट इज मोस्ट लाइकली टू एक्सपीरियंस व्हाट टाइप ऑफ एसिड बेस बैलेंस। आपसे ये पूछा गया है कि एक पेशेंट है जिसको रिब फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है, सो अभी वो पेशेंट को किस तरीके का एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस इम्बैलेंस होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस फ्रॉम इनएडिक्वेट वेंटिलेशन, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस फ्रॉम एंजाइटी एंड हाइपर वेंटिलेशन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस फ्रॉम कैल्शियम लॉस ड्यू टू ब्रोकन बोन्स, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस फ्रॉम टेकिंग एनाल्जेसिक्स कंटेनिंग बेस प्रोडक्ट्स। तो किस तरीके का एसिड बेस इम्बैलेंस यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। देखो, जब हम नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन में क्या होता है, इंस्पिरेशन प्लस एक्सपायरेशन, अब इसमें भी ये जो हमारा इंस्पिरेशन है ये किसके वजह से होता है, बिकॉज ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल, ठीक है। और जब हमें पूरा एक रेस्पिरेशन का साइकिल को कंप्लीट करना है तो उसमें जो हमारे EICM मसल्स होते हैं यानी कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो हमारे रिब्स को एलिवेट करते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एलिवेट द रिब्स, ठीक है। अब क्या हो गया, इफ
रिब फ्रैक्चर इज देयर, सो ये जो हमारे EISCM मसल्स है विल नॉट परफॉर्म और वी कैन से नो एलिवेशन ऑफ द रिब्स, रिब फ्रैक्चर हो गया है, इसीलिए जो हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो रिब को एलिवेट नहीं कर पा रहे। अब जब रिब्स एलिवेट नहीं हो रहे हैं तो जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है वो नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया, हाइपोवेंटिलेशन हो गया पेशेंट को, ठीक है। और हाइपोवेंटिलेशन होने के वजह से वहां पे क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज CO2 लेवल, क्योंकि हाइपोवेंटिलेशन में होता क्या है, CO2 लेवल का जो रिटेंशन है वो इंक्रीज हो जाता है, CO2 लेवल इंक्रीजेस, ठीक है। और ये जो CO2 लेवल इंक्रीज हो गया तो इससे एक तो समझ में आ गया हमको कि रेस्पिरेटरी कंडीशन है, ठीक है। अब हमें पता है कि CO2 ऑलवेज इंक्रीजेस व्हेन pH डिक्रीजेस, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा, सी जो हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो प्रॉपरली रिब्स को एलिवेट नहीं कर पाए बिकॉज रिब का फ्रैक्चर हो गया, जिसके वजह से पेशेंट का जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है वो नहीं हुआ एंड पेशेंट को हाइपोवेंटिलेशन हुआ। हाइपोवेंटिलेशन जब होता है तब क्या होता है, बॉडी के अंदर में, लंग्स के अंदर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल इंक्रीज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अमाउंट में रिटेंड हो गया है। अब ये हमको फॉर्मूला पता है एसिड बेस इंबैलेंस का, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता है तो पीएच जो है वो हमेशा ही डिक्रीज होता है, ठीक है, इट इज इन द ऑपोजिट। सो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज है मतलब क्या, हमारी रेस्पिरेटरी कंडीशन हो गई, एंड पीएच डिक्रीज है इसका मतलब क्या हो गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। ओके, सो हमारा करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस फ्रॉम इनएडिक्वेट वेंटिलेशन, यानी कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बिकॉज ऑफ हाइपोवेंटिलेशन, ठीक है। अब ये जो रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस फ्रॉम एंग्जाइटी एंड हाइपरवेंटिलेशन, यस, ये जो रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस है ना, ये हमेशा हमको किसमें दिखता है, हाइपरवेंटिलेशन में। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस किसमें दिखता है, हाइपोवेंटिलेशन में। सो बाकी के जो हमारे ऑप्शन है वो इसके आंसर नहीं होते। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, कि अगर रिब फ्रैक्चर है तो हाइपोवेंटिलेशन होगा एंड बिकॉज ऑफ हाइपोवेंटिलेशन पेशेंट विल हैव द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड कॉग्निशन आर सेड टू कॉन्स्टिट्यूट, यस, आर सेड टू कॉन्स्टिट्यूट, दीज आर इंटेलिजेंस, दीज आर मेमोरी, दीज आर इंट्यूशन और दिस आर इमेजिनेशन। सी ये जो लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड कॉग्निशन जो दिया हुआ है, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब मेमोरी के प्रोसेस है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ मेमोरी में क्या आता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम किसी भी चीज को लर्न करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे हमारे माइंड में रिटेन करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको रिकॉल करते हैं, एंड लास्टली हम उसको क्या करते हैं, रिकॉग्निशन करते हैं और कॉग्निशन करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ ये इस तरीके से हमने पढ़ा था, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लर्न करते हैं, रिटेन करते हैं, रिकॉल करते हैं, देन रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये सब कुछ क्या है, दीज आर द प्रोसेस ऑफ मेमोरी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, दैट लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन should be recognition are the are said to constitute memory, clear, okay. Next question, a patient is under medication of terbutaline for the bronchitis, ek patient ko bronchitis hai to use terbutaline ka medication chal raha hai, theek hai, the nurse should suggest the patient to take the medicine with caution if he has a medical history of, kisi patient ko humne bronchitis ke liye terbutaline bataya hai, अब नर्स उस पेशेंट को सजेस्ट करेगी कि अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप बहुत ध्यान से ही टर्बुटालिन लीजिएगा, ठीक है, या फिर मतलब एक कॉशन के साथ, ठीक है ना, मतलब केयरफुली आपको इस मेडिसिन को इंजेस्ट कर, मेडिसिन को लेना है।
कैसी कौन से कंडीशन की हिस्ट्री होगी तो नर्स उस पेशेंट को सजेस्ट करेगी डेट आपको टर्बिटलिन जो है वो कॉशन के साथ लेना है, डायबिटीज मेलाइटिस, पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज, ऑस्टियो आर्थराइटिस एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। नंबर 1 पॉइंट इज कि ये जो टर्बिटलिन है ये क्या है, इट इज अ ब्रोंकोडायलेटर। ठीक है, अब हमारे जो ब्रोंकोडायलेटर होते हैं वो क्या करते हैं, ये डायलेट्स द ब्रोंकोडायलेट। ठीक है, वो क्या होते हैं, बीटा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट। ठीक है, एंड दूसरा चीज, ये जो हमारी ये बीटा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट जो होता है इसमें हमारे क्या क्या आते हैं, इसमें हमारा आता है एल्बिटेरॉल, ठीक है, एंड टर्बुटालिन। ठीक है, अब ये जो एल्बिटेरॉल और टर्बुटालिन है ये हम हमेशा क्या करते हैं, हम पेशेंट को कफ सिरप नहीं देते, यूजुअली हम इसको ओरली देते हैं। ठीक है, ओके, देन जस्ट अ मिनट, ओके, सो ब्रोंकोडायलेटर है। ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर्स में जो बीटा टू एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं उसमें हमारा आता है एल्बिटेरॉल और टर्बिटालिन। आपने देखा होगा कि एल्बिटेरॉल और टर्बिटालिन जो है वो हम ओरली देते हैं इन सीरप फॉर्म। ठीक है, सीरप फॉर्म में दोनों भी चीजें ये प्रेजेंट रहती है, एल्बिटेरॉल और टर्बिटालिन। अब इनके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं जो हमारे लिए मेन है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ टर्बिटालिन। ठीक है, इसमें हमको दिखेगा टेकीकार्डिया, हाइपर इंसुलिनेमिया एंड हाइपर ग्लाइसेमिया। सो कौन से कंडीशन में हम टर्बिटालिन को कॉशन के साथ देंगे, डायबिटिक मलाइटस में, यस, बिकॉज एडवर्स इफेक्ट क्या होता है दिस टर्बिटालिन का, दैट इज हाइपरग्लाइसेमिया वो कॉज करता है। तो डायबिटिक वाले पेशेंट को दे दोगे तो और ज्यादा उसके शुगर लेवल्स बढ़ जाएंगे। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज नो, ऑस्टियोआर्थराइटिस नो, हाइपोथायरॉयडिज्म नो। अगर डायबिटिस मेलाइटिस की जगह पे हाइपो इंसुलिनिज्म होता, सॉरी हाइपर इंसुलिनिज्म या फिर इंसुलिनोमा, इंसुलिन के वजह से जो ट्यूमर होता है, तब भी हम कॉशन के साथ टर्बुटलिन देते। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज डायबिटिक मेलाइटिस। क्लियर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द डिलीवरी द पेरिनियल टीयर एक्सटेंड्स थ्रू द स्पिंक्टर ऑफ द रेक्टम। ठीक है, डिलीवरी के टाइम पे पेरिनियल टीयर किया है या फिर पेरिनियल टीयर हुआ है जिसको एक्सटेंड किया है थ्रू द स्पिंक्टर ऑफ द रेक्टम, रेक्टम का स्पिंक्टर इन्वॉल्व है बट द रेक्टल म्यूकोसा इज इंटैक्ट। हाउ वुड यू क्लासिफाई दिस टाइप ऑफ पेरिनियल टीयर। आपको कंडीशन दे दी है और आपसे पूछा गया है कि ये कौन से टाइप का पेरिनियल टीयर है। ठीक है, इज इट फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड द फोर्थ डिग्री। ओके, सो हम चारों भी देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, इन्वॉल्व पेरिनियल स्किन प्लस वजाइनल म्यूकोसा। देन सेकेंड डिग्री में क्या होता है, फर्स्ट डिग्री प्लस इसमें एडिशनल क्या आ जाता है, पेरिनियल मसल्स भी कट होते हैं। देन आता है हमारा थर्ड डिग्री। अब थर्ड डिग्री में क्या आएगा, हमारा सेकेंड डिग्री प्लस इसमें एक एडिशनल ऐड हो जाता है हमारा रेक्टल स्पिंक्टर। देन लास्टली हमारा आता है फोर्थ डिग्री ऑफ पेरिनियल टीयर, इसमें क्या होता है आपका थर्ड डिग्री प्लस इसमें रेक्टल म्यूकोसा भी एड ऑन होता है, रेक्टल म्यूकोसा जो है वो भी कट हो जाएगा। एंड फोर्थ डिग्री को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कंप्लीट पेरिनियल टीयर। अब देखो हमको ऑप्शन में क्वेश्चन में क्या दिया गया था,
पेरिनियल टीयर एक्सटेंड्स थ्रू द स्पिंक्टर ऑफ द रेक्टम. रेक्टम का जो स्पिंक्टर है वो तो कट हुआ है बट द रेक्टल म्यूकोसा इज इंटैक्ट. तो इसके बेसिस पे हमारा आंसर क्या हो जाता है, थर्ड डिग्री, क्योंकि थर्ड डिग्री में क्या हो रहा था, हमारा पेरिनियल स्कीयर, पेरिनियल स्किन, वजाइनल म्यूकोसा, पेरिनियल मसल एंड रेक्टल स्पिंक्टर, ये सारे चीजें कट हो रहे थे. ठीक है, यहाँ पे रेक्टल म्यूकोसा इन्वॉल्व नहीं था क्योंकि रेक्टल म्यूकोसा क्या दिया गया, ऑप्शन में इंटैक्ट दिया गया. इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड डिग्री. क्लियर? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन फॉर ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट. ठीक है, हमें ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट करना है यानी कि कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट करना है, जिसको हम सीएसटी कहते हैं. ठीक है, तो हम प्रीवियस एब्रप्शन वाले प्लेसेंटा के पेशेंट में करेंगे, प्लेसेंटा प्रीविया में करेंगे, प्री मेच्योर ऑनसेट ऑफ लेबर में करेंगे एंड प्रेगनेंसी मोर देन 38 वीक्स में करेंगे, देन वी विल परफॉर्म दिस कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट. यस, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट में हम यूजुअली करते क्या, हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दे देते हैं, जो कार्डियो टोकोमीटर है वो अटैच करते हैं, हम उसके बाद में जो मदर है उसमें असेस फीटल हार्ट रेट. ठीक है, हम फीटल हार्ट रेट देखते हैं. अब आपने देखा कि 120 फीटल हार्ट रेट उसका है, बेसलाइन फीटल हार्ट रेट. उसके बाद आपने क्या किया, आपने ये कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म करना स्टार्ट किया. हाउ यू स्टार्टेड टू परफॉर्म, आपने ऑक्सीटोसिन दिया जिसके वजह से मदर को कॉन्ट्रैक्शंस आए. अब वो कॉन्ट्रैक्शन से बेबी के ऊपर जो फीटस है उसके ऊपर स्ट्रेस आया, तो वो स्ट्रेस आने के बाद उसके फीटल हार्ट रेट पे कोई असर पड़ा या नहीं, ठीक है, कुछ रिस्पॉन्स उस बेबी ने दिया कि नहीं. ठीक है, अब हमने क्या देखा कि हमने पहले तो एक बेसलाइन देख लिया कि 120 था. After that, हमने ये contraction stress test जब perform किया, oxytocin जब दिया, उसके बाद में भी उसका fetal heart rate जो था वो 120 था. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो test है ये negative आया है, non-reactive आया है. It means कि fetal जो है वो normal है. ठीक है, it indicates the normal fetus. ठीक है, तो अब हमसे पूछा तो क्या गया है कि ये जो contraction stress है ये आप usually करते कब है? ये हम करते हैं pregnancy में more than 38 weeks of gestation में. ठीक है, ये देखने के लिए टू चेक द फीटल वेलबींग. सो दिस इज द इंडिकेशन फॉर ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट. ठीक है, बाकी ये जो तीनों भी है ये नहीं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायग्नोस्टिक प्रोसीजर विल बेस्ट डिटरमाइन वेदर अ क्लाइंट इन लेबर हैज स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन. ऐसा कौन सा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, ठीक है, वो ये डिटरमाइन करेगा एक पेशेंट जो कि लेबर में है उसे एक स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया. हमको सिंपली वो टेस्ट बताना है जो कि ये बता सकता है कि रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हुए है कि नहीं. ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट, फर्न टेस्ट, यूरिनालिसिस, वजाइनल एग्जामिनेशन. सी, नो सीबीसी, नो यूरिनालिसिस, नो वजाइनल एग्जामिनेशन, ये हमको बता सकता है बाय द फर्न टेस्ट. अब कैसे बताता है ये देखो, दो टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू हम रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हुआ है कि नहीं ये पता कर सकते हैं. एक होता है नाइट्रोजन स्ट्रिप टेस्ट, हम ये परफॉर्म करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में. वो भी तब जब वो मदर लेबर में है, तो क्या उसके रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हुए हैं कि नहीं. ठीक है, सैंपल क्या रहता है हमारा, वजाइनल सिक्रीशन. सेम यहां पर भी जो सैंपल रहता है टेस्ट करने के लिए दैट इज वजाइनल सिक्रीशन. अब वजाइनल सिक्रीशन में हम क्या करेंगे, फर्न टेस्ट में अंडर माइक्रोस्कोप वी विल सी. ठीक है, अगर अंडर माइक्रोस्कोप हमको फेदर लाइक पैटर्न, स्कैटर्ड लाइक पैटर्न या फिर फर्न लाइक पैटर्न दिखता है, तो ये इंडिकेट करता है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया है. ठीक है,
हम क्या करते हैं, हम मदर का वजाइनल सिक्रीशन लेते हैं, ठीक है, उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं। अगर हमें फेदर लाइक पैटर्न दिखता है, स्कैटर्ड यानी कि बिखरा हुआ सा पैटर्न दिखता है, या फिर फर्न लाइक पैटर्न दिखता है, सो इट मीन्स कि रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जो है वो उस फीमेल में हो गया है, ठीक है। देन नाइट्रोजन स्ट्रिप टेस्ट में कैसे पता लगा सकते हैं कि रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया है, हम वजाइनल सिक्रीशन लेंगे, उसमें हम नाइट्रोजन का जो येलो कलर का स्ट्रिप आता है उसको डिप करेंगे। कन्वर्ट इनटू ब्लू, ये अगर ब्लू में कन्वर्ट हो गया इट इंडिकेट्स रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, अगर ब्लू में कन्वर्ट नहीं हुआ इसका मतलब रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जो है वो नहीं हुए हैं, ठीक है। सो व्हिच टेस्ट कैन बी टेल अबाउट द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इन अ मदर, दैट इज फर्न टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टेस्ट इज टिपिकली यूज्ड टू डिटेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर्स ड्यूरिंग 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। हमें एएनसी मदर में टेस्ट करने हैं सॉरी ओके एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ओके क्वेश्चन इज व्हिच टेस्ट इज टिपिकली यूज्ड टू डिटेक्ट Which test is typically used to detect genetic disorders during 10th week of pregnancy? ठीक है, हमें 10th week of pregnancy पे अगर हमें genetic disorders को detect करना है तो हम कौन सा test perform करेंगे? Amniocentesis, chorionic villi sampling, rapid plasma regain और ultrasound. Ultrasound and rapid plasma regain नहीं करते। अगर हमें genetic disorders पता करना है तो एक तो हमें amniocentesis करना पड़ेगा या फिर एक हमें chorionic villi sampling करना। अब ये जो एम्नियोसेंटेसिस है ये हम करते हैं बिटवीन 16-20 वीक्स, ठीक है, ये 10th वीक पे नहीं करते। अब ये जो कोरियोनिक विलाय सैंपलिंग है इसका बेस्ट टाइम होता है 11-13 वीक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज कोरियोनिक विलाय सैंपलिंग, बट द बेस्ट टाइम होता है 11-13 वीक्स टू परफॉर्म द कोरियोनिक विलाय सैंपलिंग। अब ये जो कोरियोनिक विलाय सैंपलिंग है अगर हमने 10 वीक से कम में कर लिया तो वहां पे प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इफ कोरियोनिक विलाय सैंपलिंग परफॉर्म लेस देन 10 वीक्स लीड टू लिम्ब रिडक्शन डिफेक्ट एंड सेकेंड इज ऑरोमेंडिबुलर डिफेक्ट, ये बच्चे में देखने के लिए हमें मिलता है, ठीक है। इसीलिए हम कोरियोनिक विलाय सैंपलिंग कभी भी 11-13 वीक्स के बीच में करते हैं या फिर 10th वीक पे करते हैं, पर 10th वीक से कम कभी नहीं करते। एंड एम्नियोसेंटेसिस करते हैं 16-20 वीक्स के बीच में। सो व्हिच टेस्ट इज टिपिकली यूज्ड टू डिटेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यूरिंग 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, इट इज कोरियोनिक विलाय सैंपलिंग। ओके देन द लास्ट क्वेश्चन, कंटीन्यूअस स्क्रूटिनी ऑफ द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द ऑकरेंस ऑन distribution of the disease and other condition of ill health is the definition of, just give me 1 minute. Okay, question kya pucha gaya hai, continuous scrutiny of the factors, ठीक है। कंटिन्यूस स्क्रूटिनी का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन और क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द फैक्टर्स। कंटिन्यूसली हम लगातार हम कुछ फैक्टर्स को असेस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, जो डिटरमाइन करता है ऑकरेंस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, ठीक है, कि कौन सा डिजीज कब ऑकर हुआ, ठीक है, कितना वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्प्रेड आउट है, एंड अदर कंडीशन ऑफ द इल हेल्थ इज द डेफिनेशन ऑफ मॉनिटरिंग। हम सर्विलेंस कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम डिजीज कंट्रोल कर रहे हैं, हम सिस्टम एनालिसिस कर रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग सिस्टम एनालिसिस, वी आर नॉट डूइंग डिजीज कंट्रोल।
अब रही बात मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस में, क्योंकि मॉनिटरिंग में भी हम जो भी फैक्टर्स है उनको असेस करते हैं कि जो भी ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज हो रही है, या फिर जो कंडीशंस जो कि इल हेल्थ कॉज कर रही है, ठीक है। पर जो मॉनिटरिंग होता है दैट ऑलवेज एनालिसिस इन सिंगल फेज। एग्जाम्पल, हम कम्युनिटी में गए, ठीक है, एक पर्टिकुलर सिर्फ बीपी वगैरह हमने सब मॉनिटर कर लिया जस्ट टू नो अबाउट द हाइपरटेंशन पीपल इन द कम्युनिटी। बस एक बार हम गए, हमने एक लीनियर फेस में, एक सिंगल फेस में जाके एनालिसिस मॉनिटरिंग करके आ गए, ठीक है। बट सर्विलेंस में क्या होता है, कंटिन्यूअसली आप उस फेस को कभी बंद ही नहीं करते, ये एक साइकिल फेस में चलता है, ठीक है, एक कंटिन्यूअस साइकिल की तरह चलता है। कंटिन्यूअस साइकिल में आप ये सर्विलेंस करते हो, ठीक है, कि कंटिन्यूअसली यू विल ऑब्जर्व दैट फैक्टर्स, डिटरमाइन करोगे, ठीक है, सॉरी वो फैक्टर को आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, उसका एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन कंटिन्यूअसली एक साइकिल की फॉर्म में, ठीक है। आपने 1 month पहले बीपी के सारे पेशेंट्स का बीपी मॉनिटर किया था, आफ्टर 1 month अगेन यू डिड दैट, सो दैट इज अ सर्विलियंस। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्विलियंस, ठीक है। अब सर्विलियंस के 3 type होते हैं, एक्टिव, पैसिव एंड सेंटिनल। एक्टिव में हम क्या करते हैं, डोर टू डोर विजिट एंड डाटा कलेक्ट। पैसिव में क्या करते हैं, पेशेंट इटसेल्फ रिपोर्ट, पेशेंट खुद ब खुद हमारे पास आता है। एंड व्हाट वी डू इन द सेंटिनल, जो मिसिंग केसेस होते हैं उसे फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर? ओके, सो थैंक यू, टुडे आई वॉज नॉट वेल एक्चुअली, ठीक है। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।